हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में आप देखेंगे फ्रेश नूडल्स कैसे बनाया जाता है, साथ ही स्टीमर कौन सा है और चूल्हा कौन सा लगाया गया है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। आप देख पा रहे हैं नूडल्स को तैयार किया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा स्टीमर है। साथ ही आप देख पा रहे हैं किस तरह से चूल्हा भट्टी बनाया गया है। ये देखिए, इसमें छोटा सा पंखा लगाया गया है ताकि आग को प्रेशर दे सके। ये देखिए, ये हमारा स्टीमर है। इसी में नूडल्स को स्टीम करने के लिए लगाया जाता है। यहाँ नीचे में पानी डाला गया है। ये पानी गर्म होता है और इसी से हमारा नूडल्स स्टीम होता है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, नूडल्स को स्टीमर में स्टीम होने के लिए लगाया जा रहा है। इस स्टीमर में एक बार में 2 कट्टे का माल लगाया जा सकता है। दोस्तों, जब हम नूडल्स को स्टीमर में स्टीम होने के लिए डालेंगे तो पहली बार 1.25 घंटे का समय ले सकता है। और जब हम दूसरी बार डालेंगे तो ये लगभग 45 मिनट का समय ले सकता है, क्योंकि दोस्तों पानी गर्म होने में 1/2 घंटे का समय लगता है। ये देखिए दोस्तों, भट्टी में आग लगाया गया है और आप देख पा रहे हैं किस तरह से आग जल रही है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं आग का प्रेशर कितना है। इस स्टीमर में 2 कट्टे का माल को स्टीम किया जा रहा है। 2 कट्टे का माल को स्टीम करने के लिए 30 से 40 किलो लकड़ी जल सकता है। दोस्तों, इस भट्टी में लकड़ी पूरा का पूरा जल जाता है और राख भी नहीं बचता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा नूडल्स तैयार है और पैकिंग भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में
ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।